बचपन में हम ये सोचते थे कि आखिर खिलौने, पंखे और गाड़ियां जैसी चीजें काम कैसे करती हैं। इसे जानने के लिए हम खिलौनों को ही तोड़ दिया करते थे, पर हमें उससे कुछ समझ नहीं आता था। मगर बड़े होने पे हमें ये समझ आ गया कि ये सब मोटर की मदद से चलती हैं। लेकिन आपने ये सोचा कि आखिर मोटर काम कैसे करता है? अगर हाँ, तो मैंने भी इसके बारे में खूब सोचा और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये वीडियो मिला, जिससे मैं मोटर के बारे में सब कुछ जान पाया। आप भी इस वीडियो को देखकर डीसी मोटर के पूरे मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से जान जाएंगे। मोटर मेनली दो तरीके के होते हैं, पहला एसी मोटर यानी अल्टरनेटिंग करंट मोटर, और दूसरा डीसी मोटर जिसे हम डायरेक्ट करंट मोटर भी कहते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में डीसी मोटर के मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम डीसी मोटर की हिस्ट्री को जान लेते हैं। दुनिया का सबसे पहला डीसी मोटर को एक ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम स्टर्जन ने 1832 में बनाया था, जिसका यूज मेनली मशीन्स में होता था। मगर थॉमस डेवनपोर्ट नाम का एक अमेरिकन इन्वेंटर ने एक डीसी मोटर को बनाया और 1837 में उसको पेटेंट करवा लिया। पर मोटर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण बहुत से लोग एक सक्सेसफुल मोटर बनाने में जुट गए। तब जाकर 1886 में फ्रैंक जूलियन स्प्रैग ने एक डीसी मोटर बनाया जो कि डिफरेंट वोल्टेज में भी कांस्टेंट स्पीड पे चल सकता था। यह डीसी मोटर बहुत ही फेमस हुआ और कमर्शियली भी यूज किया जाने लगा। इसका यूज सबसे पहले इलेक्ट्रिक एलिवेटर और पावर ट्रॉली सिस्टम में किया गया था। अब देख लेते हैं कि आखिर डीसी मोटर कैसे वर्क करता है। डीसी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखा जाए तो जब वायर को बैटरी से कनेक्ट करके करंट पास करवाया जाता है, तब वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और वायर मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है, जिसका यूज डीसी मोटर में किया जाता है। वायर का मैग्नेटिक फील्ड काफी कम होता है, जिसके कारण वायर को कॉइल्स में लपेटा जाता है ताकि उनका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। मोटर के बाहर एक मेटल का केस होता है जिसे हम स्टेटर भी कहते हैं, और एक शाफ्ट होता है जो कि स्पिन करता रहता है, और दो टर्मिनल्स होते हैं जिसमें वायर को कनेक्ट किया जाता है। मोटर के अंदर दो अपोजिट पोल्स वाले मैग्नेट होते हैं जिनको केस के कॉर्नर में लगाया जाता है, और उन मैग्नेट के बीच में रोटर होता है जिसे आर्मेचर भी कहा जाता है। रोटर काफी सारे टी शेप के लेमिनेटेड शीट से बना होता है जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। रोटर को बनाने में एक से ज्यादा लेमिनेटेड शीट्स का यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण मोटर में करंट ट्रांसफर ना हो पाए। आर्मेचर के आर्म में कॉपर वायर कॉइल्ड होता है और आर्मेचर के बीच में एक शाफ्ट लगा होता है। इन सभी चीजों को मिला करके एक रोटर को बनाया जाता है। रोटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। जब साइड के मैग्नेट रोटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तब आर्मेचर लाइक पोल्स के पास मूव हो जाता है। वायर को स्विच करने से रोटर के पोल अपोजिट हो जाते हैं और लाइक पोल्स के पास फिर से मूव करने लगते हैं। लगातार ऐसा करने से रोटर रोटेट करने लगता है। इसे ऑटोमेटिक करने के लिए आर्मेचर को कम्यूटेटर प्लेट से कनेक्ट किया जाता है। कम्यूटेटर प्लेट कॉपर से बना होता है जो कि शाफ्ट के निचले हिस्से में लगा होता है। हर कम्यूटेटर प्लेट दो कॉपर कॉइल से जुड़ा होता है जिससे करंट कॉइल में पास कर पाता है। कम्यूटेटर के बीच में गैप होता है जिससे कम्यूटेटर प्लेट एक दूसरे से अलग रह सके। जैसे ही कम्यूटेटर प्लेट से करंट पास कराया जाता है, आर्मेचर रोटेट होने लगता है। हर एक रोटेशन पे कम्यूटेटर प्लेट का साइड बदल जाता है जिससे कम्यूटेटर प्लेट चेंज हो जाता है और आर्मेचर के मैग्नेट का डायरेक्शन स्विच हो जाता है, जिस कारण ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। कम्यूटेटर के एक साइड में ब्रशेस लगा होता है जो कि कम्यूटेटर से कॉन्टैक्ट बनाए रखता है। ब्रशेस के एंड पर स्प्रिंग यूज किया जाता है जिससे ब्रश कम्यूटेटर से घिसता रहे। कम प्लेट्स के कारण कभी कभार ब्रश दोनों प्लेट के बीच के गैप में फंस जाता है। इस कारण से दो से ज्यादा कम्यूटेटर प्लेट को एक मोटर में लगाया जाता है ताकि वो स्मूथली रोटेट कर सके। एक नॉर्मल मोटर में तीन कम्यूटेटर प्लेट को लगाया जाता है। ब्रशेस के एंड पर ब्रश आर्म होता है जो कि ब्रशेस को अपनी जगह पर रखता है। ब्रश आर्म को ही मोटर का टर्मिनल कहा जाता है जिसमें वायर को कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही वायर से करंट को पास कराया जाता है, मोटर रोटेट होने लगता है। इसी तरह मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। मोटर को इलेक्ट्रिकल जनरेटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। मोटर की शाफ्ट को फिजिकली रोटेट करने पर सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और मोटर करंट प्रोड्यूस करने लगता है। जितना ज़्यादा शाफ्ट को रोटेट किया जाए, उतना ज़्यादा मोटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये जस्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म ऑफ मोटर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो
तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब के जरिए बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।